आप सबकी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और भाई जल्द जो है अभी सुबह हुई है मेरी और यार बड़ी गर्मी है यार, दिल चाह रहा है बस सो जाओ। अब हर वक्त बंदा एसी में नहीं बैठ रहा सकता, तो मैंने ये फ़ैन लगाया है तो ये कि हमारी गैलरी से जो है थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी सी हवा आती रहती है। फिलहाल मैं ज़रा मुँह धो लूँ क्योंकि मैंने मुँह भी नहीं धोया आज, मैं डायरेक्ट उठ के बेड से बस चली ली जो है ना, बस मैं व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है। बस अभी आज हमज़ा का जो है वो पेपर था जो 9 मई को जो है वो कैंसिल हो गया था, तो अभी हमज़ा जो है वो पेपर देकर आए, तो मैं ज़रा बच्चों के साथ नाश्ता कर लूँ दैन फिर मैं आप लोग जाऊँगी। तो मुँह वगैरह धो के फारिग हो गए थे और अब दैन मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो चीखे मार मार के बोल रहे हैं मम्मा नाश्ता दे दे नाश्ता दे दे, तो थोड़ी सी आवाज़ में दोबारा से ख़राब हो गई है। वो इसलिए ख़राब हो गई है कि कल मैंने क्या किया, कल मैं थोड़ा सा मार्केट गई थी, कुछ मुझे सौदा वौदा लेना था तो वहाँ से मैं लेकर आ गई हरी जो कैनियाँ नहीं होती कच्ची कच्ची, तो वो मैं लेकर आ गई और मैंने घर आके क्या किया कि उसको पील ऑफ किया और दैन फिर नमक और चाट मसाले से मैंने उसको लगा लगा के तकरीबन मैंने खाई हैं 2-3 कैनियाँ खाई होंगी यार। बस वो मैं खा के सोई हूँ और अब थोड़ा सा ये हो रहा है कि आवाज़ मेरी डिस्टर्ब हो रही है और थोड़ा सा जो है ना वो गले में दर्द हो रहा है, तो डांट भी पड़ी कि क्या ज़रूरत थी भाई इस तरह जो है वो खाने की, अदनान से डांट पड़ी। अम्मी को तो मैं बताती नहीं हूँ, अम्मा है ना वो तो सही वाला जैसे कहना चाहिए ना कि क्या ज़रूरत थी, बड़ी हो गई हो 3-3 बच्चों की अम्मा हो गई हो और ये हरकतें ख़त्म नहीं हुई हैं वो हरकतें ख़त्म नहीं हुई हैं। बहरहाल जो है यार बहुत मज़ा आता है, ये सब हम बचपन में खाते थे, ऐसा होता था बीमार भी नहीं होते थे हम लोग ना, तबीयत भी ख़राब नहीं होती थी, लेकिन अब तो यार बीमारियां ऐसे आती हैं बस मुंह में खाओ और कल बीमार हो गए फौरन। तो बस ये है कि अल्लाह ने सबकी हिफाजत करे और इन चीज़ों में बाकी हैं बहुत मज़ा है, ये पुरानी सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है। मैं ज़रा नाश्ता बना लूँ, ये जो बच्चे हैं ना ये देख रहे हैं ये अभी जस्ट मेरे साथ इनकी मॉर्निंग हुई है, तो मैं ज़रा अपने बच्चे को नाश्ता दे दूँ दैन आप लोगों को जाए। A few moments later. अच्छा बच्चे ना मुझसे काफ़ी दिन से ये कह रहे थे कि मम्मा आप ना क्या कहते हैं बकरीद आने वाली है और जितने भी हमारे घर में जानवर आए ना तो उसकी ना पिक्चर्स वगैरह अपलोड करें, तो मैंने बोला कि देखना पड़ेगा सारा जो है मेमोरी में जमा होता है आप लोगों को पता है, जो गूगल की मेमोरी होती है उसमें से पिक्चर्स वगैरह निकालनी पड़ती है, तो फ़िलहाल जो है मैंने जो है एक कलेक्शन सी जमा करी, यानी मैंने बनाई पूरी रात मैंने मेहनत करी उसको कलेक्शन को जमा करना, तकरीबन समझ लें 2017 से मैंने पूरी एक जैसे कहना चाहिए ना कोलाज सा बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ, तो पहले तो ज़रा जाके आप वो देखें और फिर मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसे लगे कोलाज को जिस तरह का है जो हमारे यहाँ जो जानवर आते थे, तो उसकी जो है मैं अपने सेलफोन से वीडियोज़ बनाती रहती थी, तो जो है वो गूगल फ़ोटोज़ में आप लोगों को पता है जमा हो जाता है जाके, तो बड़ी आसानी रहती है, हम लोग हर साल देखते थे बड़ा मज़ा आता था, लेकिन बच्चों ने बोला कि मम्मा उसको वीडियो में ज़रूर लेकर आएँ उसका भी एक व्लॉग बनाएं, तो आएँ ज़रा देखें आके कि मैंने जो है वो वीडियो में जो है ना अपने क्लिप्स वगैरह ऐड करें, तो फ़िलहाल मैं ज़रा अपना थोड़ा सा काम कर लूँ दैन फिर आप लोग जब तक वो देखें।
इतनी पुरानी पुरानी तस्वीरें थी और लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतने दिनों सालों बाद मैंने अपना गूगल की फ़ोटोज़ का जो है वो अकाउंट ओपन किया तो उसमें ये सारी तस्वीरें थी। और बकरीद की तस्वीरें निकालना एयर के साथ जाके बड़ा मुश्किल काम है भाई, मेरा तो जिसे कहना चाहिए ना पूरा दिमाग मेरा वो हो गया था कि मैं क्या लेके बैठ गई हूँ, पूरी रात मेरी ज़ाया हुई है इस चक्कर में एक एक तस्वीर ढूंढने में। लेकिन मुझे तस्वीरें मिल गई थी, कुछ तस्वीरें मिस हैं क्योंकि इस दौरान ऐसा भी हुआ है कि बहुत से मोबाइल मेरे, तकरीबन 3 मोबाइल स्नैच हुए हैं तो उसमें भी मेरे जो है वो तस्वीरें थीं, सेल फ़ोन की जो गैलरी होती है जो जो गूगल में थी वो यही थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, और जो है बाकी जो है ना वो मेरे सेल फ़ोन में चली गई, वो और अच्छी अच्छी थी। उस पर मैंने अपने हाथों से जो है वो मैं, हमारे घर में बकरे आते थे पहले तो मैं बकरों का खाना बना रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है मेरी एक दो हैं लास्ट ईयर की तस्वीरें वीडियोस हैं वो तो मिलके नहीं दे रही। मैंने गाय का भी अपने हाथ से जो है वो मैंने खाना बनाया क्योंकि जाहिर सी बात है जेंट्स तो सारे चले आते थे तो हम लेडीज़ का ही काम होता था जानवरों को खाना पिलाना, खैर बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छे दिन होते हैं और बकरीद आती है मैं तो बड़ा इन्जॉय करती हूँ, मेरे तो मोस्ट फेवरेट दिन गुजरते हैं, मुझे इतना शौक है जानवर से कहना चाहिए घर में आता है फिर उसकी देखभाल करना, उसको खाना बना के देना, उसको टहलाना सब कुछ। लेकिन बस एक चीज़ में मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, जिस दिन उसकी कुर्बानी होती है ना मैं बिल्कुल गायब होती हूँ क्योंकि मुझसे ना देखा ही जाता। तो फ़िलहाल खैर ये तो अल्लाह के काम है और जिसे कहना चाहिए कि कुर्बानी है, लेकिन जो है दिल मेरा थोड़ा सा छोटा हो जाता है यहाँ के। फ़िलहाल आज के व्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ एंड, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जैसे कहना चाहिए ये कलेक्शन कैसी लगी। हम सब मास भी देख रहे थे तो वो भी हंस रहे थे कि मम्मा हम लोग इतने छोटे छोटे थे,
तो फिलहाल टाइम जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है और बच्चे माशाल्लाह से जल्दी जल्दी ग्रो अप हो रहे हैं। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।